सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता है या आईटीआई करना चाहता है, उन सभी के लिए अपडेट आ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईटीआई की 32,772 सीटों पर अब एडमिशन के लिए 15 तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी इसका जो लास्ट डेट है वो 15 तक कर दिया गया है। यानी 15 मई तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 मई जो है आप लोगों के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है ना। मई तक आप 15 मई तक सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो 28 मई को आएगा। एडमिट कार्ड जो है कितने तारीख को आएगा? वो 28 मई को मिलेगा, ठीक है, जारी कर दिया जाएगा। आईटीआई प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा आईटीआई कैट जो 9 जून को आयोजित होगा। कितने तारीख को होने वाला है भाई? 9 जून को, याद रखिएगा, 9 जून को जो है आयोजित किया जाएगा। आईटीआई में एडमिशन के इच्छुक अभ्यर्थी बीसीएसई की वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन 7 चरण में पूरा होगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ₹750 तथा SC ST के लिए ₹100 तथा दिव्यांग छात्रों के लिए ₹430 फीस जमा करनी होगी। यानी इसका जो फीस है वो ₹750 है, जो कि आप लोगों को पता है जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल और मेरे ख्याल OBC के लिए भी है, तथा SC ST के लिए जो है वो ₹100 रखा गया है फीस, SC और ST के लिए, ठीक है। BCEB ने कहा है कि राज्य अंतर्गत राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थाओं के कुल सीटों में 25% सीटों पर एडमिशन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी पात्रता पत्र होंगे। मतलब कोई भी जो है इसके लिए एग्ज़ाम दे सकता है। यानी जो भी बच्चे 10th पास हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम जो है अपना आईटीआई में कैरियर बनाएं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं, ठीक है। पटना की एक न्यूज़ है, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा जिसको हम लोग BCEB के छात्र में हित में औद्योगिक परीक्षण संस्थाओं को आईटीआई में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इससे पहले आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 5 मई को था। इसके पहले जो भी अंतिम तिथि था वो 5 मई था, बट अब इसको जो बढ़ा के वो 15 मई कर दिया गया है। जिसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। राज्य के 111 से अधिक आईटीआईयू में, यानी राज्य में 111 से अधिक आईटीओ में 32,772 सीटों पर एडमिशन के लिए 15 मई तक आवेदन और फीस 16 मई तक जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म 17-18 के अंतर्गत ये सब कहानी है। तो मैं आपको फिर से ये पूरी कहानी एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूँ कि अंतिम तिथि जो है वो 15 मई कर दी गई है। पहले जो है ये 5 मई था, बट इसको बढ़ा के 15 मई कर दिया गया है। आपको एडमिट कार्ड जो है वो 28 मई को मिल जाएगा। 9 जून को जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 9 जून को जो है इसका पेपर होने वाला है। अगर आपने में से भरना चाहते हैं, जो भी बच्चे जनरल और OBC के जो हैं उनको ₹750 देने पड़ेंगे। SC और ST को जो है ₹100 देना पड़ेगा। 10th पास जो भी बच्चे होते हैं वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो बच्चे 10th पास आउट है ना, जैसे कि मान लो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया बट अभी CBSE का नहीं आया है, तो क्या वो बच्चे भर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी जो है आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल जो है ये 15 मई कर दिया गया है। मे बी हो सकता है 12 या 13 तारीख को जो है CBSE भी जो है अपना रिजल्ट आउट कर दे, बट रिजल्ट से यहाँ से कोई मैटर नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट आया हो या ना आया हो बट उसके लिए नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई आप बिल्कुल कर दीजिएगा। 15 मई जो है लास्ट डेट है। एग्जाम जो होगा 9 जून को होगा। एडमिट कार्ड आपका 28 मई को आ जाएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।